अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। अक्षय की यह लगातार 5वीं ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ या इससे ज्यादा का कलेक्शन किया है। यहां बात लगातार 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्मों की हो रही है। अक्षय की एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, रुस्तम, जॉली LLB 2 और टॉयलेट लगातार 5 ऐसी फिल्में हैं। अक्षय कुमार से आगे शाहरुख खान हैं, लेकिन अक्की के पास उनका रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर है। शाहरुख ने रावण, डॉन 2, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और दिलवाले के रूप में लगातार 100 करोड़ क्लब को 6 फिल्में दी थी, लेकिन फैन से उनका यह क्रम टूट गया। अब तो जब हैरी मेट सेजल भी 100 करोड़ में शामिल नहीं हो पाई है। सबसे आगे सलमान खान नजर आते हैं। सलमान ने 11 लगातार 100 करोड़ या इससे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्में दी है और उनका यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। टाइगर जिंदा है यदि 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करती है तो लगातार ऐसी करने वाली यह 12वीं फिल्म होगी। दबंग से यह सिलसिला शुरू हुआ और रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान से होता हुआ ट्यूबलाइट तक जारी है। यह रिकॉर्ड अन्य स्टार्स के लिए चुनौती है। आमिर खान कम फिल्में करते हैं लिहाजा थोड़ा पीछे हैं। धूम 3, पीके और दंगल के रूप में वे लगातार ऐसी 3 फिल्में दे चुके हैं। ऋतिक रोशन ने भी अग्निपथ, क्रिश 3, बैंग बैंग के रूप में लगातार 3 100 करोड़ वाली फिल्में दी थी, लेकिन मोहनजोदारो से यह सिलसिला भंग हो गया।